अंगूर, कुसुमारिया, सरताज सिंह, कुसुम मेहदेले, इनको हटाया। ने? अब सुमित्रा जी का सवाल आया, तो सुमित्रा जी का सवाल आया तो उन्होंने उस नियम को ही बदल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमने 75 साल से ऊपर के लोगों को भी टिकट देने के लिए संकल्पबद्ध है। एक आदमी के लिए आप नियम बनाते हो, 4 आदमी के लिए नियम बनाते हो, 5वें के लिए नियम बदल देते हो। ये राष्ट्रीय संचेतना का परिचायक नहीं है, राष्ट्रीय विश्वास के साथ विश्वासघात की प्रक्रिया है। कार्यकर्ता के मन पर भी ठेस लगती है इससे। आपने आगंतुक लोगों को तिलक किए, कांग्रेस से आने वाले लोगों को विधायक बनवाया, तो आपका 25 साल से काम करने वाला कार्यकर्ता शुभ हुआ कि नहीं हुआ? उसके परिणाम मध्य प्रदेश में हमने भोगे, छत्तीसगढ़ में भोगे, राजस्थान में भोगे। कार्यकर्ता की जो उदासीनता है उसका सम्मान नहीं है। अब मैंने ये कहा कि ये कार्यकर्ता की उदासीनता है, सम्मान नहीं मिलता, उसे चुनाव के वक्त पर पूछा जाता, उसके बाद कोई काम नहीं लिया जाता उससे, तो अब उस बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर में एक नया प्रयोग हो गया कि जब देश के प्रधानमंत्री इंदौर एयरपोर्ट पर आए तो नगर के मंडल अध्यक्षों को ले जा करके उससे मिलवा दिया, छोटे कार्यकर्ता को मिला करके। ये दर्शा दिया कि हमें छोटे कार्यकर्ताओं की चिंता है। अरे असली जवाबदारी तो उस बूथ वाले की होती है जो बूथ पर बैठ करके काम करते हैं। उन बूथ वालों को केवल चुनाव के समय पर प्रश्न दिया जाता है और उनकी हाव भगत की जाती है। चुनाव के बाद उनके दुख दर्द को समझने के लिए आपके पास कोई प्रावधान है, कोई नियमावली है या कोई उनकी जान पहचान है? नहीं है आपके पास में। ये जो फंडामेंटल है उसके लिए मेरी लड़ाई है। भाजपा के उत्थान की प्रक्रिया में योगदान देने वाला, छोटा से छोटा योगदान देने वाला एक व्यक्ति मैं भी हूँ, और मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक होने का गौरव प्राप्त किए हुए हूँ। मैं किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की अवनीति की कामना नहीं करूँगा। मेरी कामना केवल इतनी है कि नई पीढ़ी के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। नवी बार अगर हम सुमित्रा जी को भेज करके जुआई खेलना चाहते हैं तो खेल लें। ऐसी स्थिति में मैं उम्मीदवार हूँ, और नहीं तो मैंने 4 नाम दिए हैं, उनमें से किसी एक को भी लड़ाया जा सकता है, चारों योग्य हैं। 4 नाम में कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी अभी अपराजित योद्धा की तरह ही इस इंदौर नगर में जाना जाता है। दूसरा